दोस्तों हमारे साथ आईएएस टॉपर यूपीएससी टॉपर 2015 की टीना डाबी जी हैं। और टीना जी से हम ये जानना चाहेंगे कि 22 साल की उम्र में आपने ये सफलता अर्जित की, वो भी पहले अटेम्प्ट में, इसका श्रेय आप किसको देंगे? टीना जी, ये हमारा जो इंटरव्यू है वो फेसबुक पर और यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं सत्या फाउंडेशन के समाचार को, आप कृपया अपना संदेश दें, किसको आप श्रेय दें? मैं अपना श्रेय अपनी मम्मी को दूंगी जी। मेरी मम्मी ने मुझे क्लास 11 से ही गाइड और ग्रूम किया इस सर्विस के लिए और काफ़ी हेल्प की। और इवन जब मैं एग्जाम के लिए आफ्टर कॉलेज प्रिपेयर कर रही थी तो कॉन्स्टेंटली मोटिवेट और इनकरेज किया ऑन अ डेली बेसिस, तो मैं पूरा श्रेय अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। और पिताजी का कितना श्रेय आप मानती हैं? पिताजी का भी काफ़ी श्रेय है, अगर मम्मी के बाद किसी और का नाम है तो पापा का है। पापा ने मुझे सारी रिसोर्सेज और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जो भी मुझे इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत में पड़ी। टीना जी, एक छोटा सा सवाल कि पॉपुलेशन को लेके देश की जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम है उसके बारे में आपका क्या विजन है? अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करें तो 65% अभी इंडिया की पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है और ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमें इसका पूरा फायदा उठाना है और अगर हमें इसे बचाना है कि एक डेमोग्राफिक बॉम्ब ना बने, इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि जितने युवा हैं उनको नौकरियां मिल पाए, और दूसरी चीज़ नौकरियों के लिए जो स्किल्स चाहिए उतनी स्किल्स उन युवाओं के पास हो। तो दो चीज़ें चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट। बट डू यू थिंक दैट डू वी नीड सम स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ? I think anything strict or extreme never works. Yeah, but we need law and law needs to be enforced properly. Law on population, I think that is something which cannot be done in a democratic country like India. And I don't think even it is required. Rather, we should focus on softer measures like improving the mind of the people or changing the mind of the people, that population, jo bhi population related problems hai, wo hum face na karein. तो सॉफ्टर अप्रोच ज़्यादा सक्सेसफुल होती है ऐसी चीज़ों में, रादर देन हैविंग अ रेडिकल और एक्सट्रीम मेजर लाइक व्हाट चाइना हैड, क्योंकि चाइना फिर से अपनी पॉलिसी पलट रहा है और हम वैसे भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई एक्सट्रीम मेजर्स लेने थे। बस अंतिम बात कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि देश की आबादी, जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, 30-35 करोड़ अधिकतम 40 करोड़ होनी चाहिए और ऑलरेडी 130 करोड़ है, तो आपको नहीं लगता कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है? पॉपुलेशन प्रॉब्लम तब बनेगी अगर हम उसका सही मायने से यूटिलाइजेशन ना करें। अगर हम पूरे वर्ल्ड की पिक्चर देखते हैं तो यूएस, जापान, यूरोपियन यूनियन, ये तीनों जो विश्व के बड़े पावर माने जाते हैं, इनके पास अब काम करने के लिए लोग ही नहीं बचे हैं। तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो अगर है तो हमें से सही मायने से उसका यूज़ उठाना चाहिए और अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए उस तरीके से यूज़ उठाना चाहिए कि हम आगे बढ़ा पाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।